आप कोटा व्यापार महासंघ के महासचिव हैं, अशोक महेश्वरी जी। व्यापार महासंघ में 150 संस्थाएं शामिल है और ये करीब 1 लाख व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अशोक जी, आप बताइए कि आपके व्यापारियों को जीएसटी से क्या-क्या परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में जीएसटी लागू होने जा रहा है और वर्तमान में जिस आनन-फानन में जीएसटी लागू किया जा रहा है उसके लिए हमारा पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पे न तो नेट चलते हैं, न ऑनलाइन सर्विसेज प्रॉपर है। तो जिस तरह से जीएसटी लागू किया जा रहा है उसके जो प्रावधान दिए जा रहे हैं उसमें जो रिटर्न भरने की प्रक्रिया है वो बहुत ही कठिन है और व्यापारी उसके लिए कतई तैयार नहीं है। आज एक एक व्यापारी के पास में 2 से 3 आदमी होते हैं। अब इसमें एक व्यापारी खुद इसके प्रावधानों की पूर्ति करने के लिए एक अकाउंटेंट चाहिए, एक व्यापारी चाहिए, कर सलाहकारों को भी भारी बर्डन पड़ जाएगी। और एकदम जो लागू किया जा रहा है 1 जुलाई से उसमें जो विसंगतियां हम देख रहे हैं तो उन विसंगतियों को देखते हुए इसको वर्तमान में 1 जुलाई के बजाय इसको 1 सितंबर से लागू किया जाना चाहिए और जो कमियां रह गई उनको व्यापार एवं उद्योग जगत के साथ बैठकर, जैसे आज सबसे बड़ी कमी ये है कि एक्साइज सर्विस टैक्स और वेट जिन पर था उन पर तो टैक्स का स्लैब ठीक है लेकिन जो एक्साइज और सर्विस टैक्स में इन्वॉल्व नहीं था वो वस्तुओं पे जो स्लैब रखा गया है उनको भी 18% और 28% में ढाल दिया गया है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं कि मार्बल है, यहाँ पे फर्नीचर है, अपना बर्तन बर्तन व्यवसाय है, कपड़े पे टैक्स लगा दिया गया है। इन पे जो स्लैब डाले गए हैं वो 28-18 के स्लैब में लाया गया है। कपड़े पे 5% टैक्स लगा दिया गया है जबकि पहले टैक्स ही नहीं था। तो आज इन सब चीज़ों को देखते हुए कई विसंगतियाँ सामने आ रही है और देश में पूरे देश में 1 जुलाई से जिस तरह से इसको थोपा जा रहा है व्यापारी एवं उद्यमियों में भारी भय है। व्यापारी ये समझ रहे हैं कि किस तरह से हम फॉर्मेलिटी करेंगे, किस तरह से हम बिल बनाएंगे, किस क्यों हमारे व्यवसाय और उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब चीज़ों के लेके और भय व्याप्त हो रहा है और पूरा देश एकदम एकजुट होकर इसका विरोध करने जा रहा है। आज हमारे पास भी एक संपर्क किया गया है दिल्ली में, पूरे राजस्थान के व्यापारी भी दिल्ली में बैठक में भाग लेने गए हैं और पूरा भारत 30 जून को बंद होने की हमारे पास में इंफॉर्मेशन आ रही है और हम उसमें पूरा समर्थन देंगे। क्योंकि जिस तरह से व्यापार एवं उद्योग उद्यमी नोटबंदी से अभी तक उभर नहीं पाए और फिर ये अगर जीएसटी आ जाता है तो इससे किस तरह से सामना करेंगे, किस तरह से व्यापार उद्योग प्रभावित पड़ेगा, ये एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो आज हम किसी भी कर सलाहकार से तो सरकार से यही विनती करते हैं कि आने वाले समय में इस पे इसको आगे लागू किया जाए, 1 सितंबर से लागू किया जाए। उसके पहले सारी प्रक्रिया, अभी जीएसटी में व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है, तो हमारा यही मानना है और सरकार भी इस बात को समझेगी कि इसको 2 महीने के लिए पुनः टाल दिया जाए और इसको पुनः रिसाइकिल की करते हुए और इसको आगे लागू किया जाए। क्योंकि ये लागू होने के बाद में जीएसटी काउंसलिंग के पास ही इसमें कुछ फेर बदल करने का अधिकार होगा और वहाँ तक पहुँचना व्यापारियों के बस में नहीं है। इसीलिए इसको सरकार अपने स्तर पर पुनः जीएसटी काउंसलिंग में व्यापारी एवं उद्यमियों की राय लेके इसको रिसाइकल की करके ही इसको लागू किया जाए ताकि जो अंदेशा व्यापार एवं उद्योग जगत पर विपरीत असर पड़ने का है, कई चीज़ें इसमें आ रही है जैसे 20 लाख रुपये तक इसमें छूट दी जा रही है, उसको बढ़ा के 50 लाख तक, क्योंकि बहुत छोटे छोटे व्यापारी हैं। और कंपोजिशन स्कीम में भी कई विसंगतियाँ देखने को मिल रही है, जो प्रावधान आए हैं उसमें कई कमियाँ हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए सरकार को पुनः विचार करना चाहिए और निश्चित रूप से अगर ये विचार नहीं किया गया तो जीएसटी का पूरे देश में बड़े स्तर पर विरोध होगा और व्यापार एवं उद्योग जगत में अफरा तफरी का माहौल बन जाएगा।